बात की सबसे नई तस्वीर, चंद्रयान 3 का सबसे नया मैसेज, लैंडिंग के लिए तैयार चंद्रयान 3। भारत का चंद्रयान 3 लगातार चांद की सतह की तरफ बढ़ रहा है। चंद्रयान 3 की लैंडिंग पर भारत के साथ साथ पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। इस बीच भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने चांद की सबसे नई तस्वीरों को सार्वजनिक कर दिया है। चांद की ये सबसे नई तस्वीरें चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने भेजी हैं, जिसे इसरो ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। चंद्रयान 3 के द्वारा भेजी गई इन सबसे नई तस्वीरों में चांद पर मौजूद क्रेटर यानी कि गड्ढे साफ नजर आ रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि चांद पर गड्ढे उल्का पिंडों के गिरने से बनते हैं और ऐसे लाखों गड्ढे यानी इंपैक्ट क्रेटर चंद्रमा पर हैं, जिनका नामकरण जाने माने वैज्ञानिकों के नाम पर किया जाता है। एक अनुमान के मुताबिक चंद्रमा पर 10 लाख से ज्यादा इंपैक्ट क्रेटर हैं, जिनमें से 9000 से ज्यादा क्रेटर की पहचान की जा चुकी है। और सबसे बड़ी बात, चांद के जिस साउथ पोल पर अब तक कोई देश नहीं पहुंचा है, भारत का चंद्रयान वहीं पहुंचकर इतिहास बनाने वाला है। अब तक नॉर्थ पोल पे ज्यादा रिसर्च हुए हैं, साउथ पोल पे आपने बताया कि भारत पहला देश है जो यहाँ उतार रहा है। पहला देश है, और ये जो फोटोग्राफ आप देख रहे हैं ये चंद्रमा की बैक साइड है। हाँ। मतलब उसके दूसरी तरफ जो पिछली साइड है, जो हाँ। दिखती नहीं है हमें। हाँ। आप देखेंगे इसमें क्रेटर्स ही क्रेटर्स हैं जी, पूरा क्रेटर्स है। दूसरी तरफ भी क्रेटर्स होंगे जी। यहाँ इंडिया जो है साउथ पोल पे अपना एक्सपेरिमेंट्स करेगा, यहाँ पहुंचने की कोशिश पहुंच रहा है, और ये बहुत बड़ी बात है। ये वर्ल्ड में अभी तक किसी ने नहीं किया जी। इंडिया पहला राष्ट्र होगा जो साउथ पोल में पहुंचेगा, वहां अपने एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करेगा। स्पेस एक्सपर्ट्स के मुताबिक चांद पर धरती की तरह ही मैदान, पहाड़ और घाटियां मौजूद हैं, और देखने में वहां सिर्फ रेगिस्तान ही लगता है। इसमें कई बड़े बड़े गड्ढे भी हैं जो अंतरिक्ष की चट्टानों और एस्टेराइड के टकराने से बनते हैं। लेकिन चंद्रमा पर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं है, चांद पर कोई वायुमंडल नहीं है, यहाँ कोई मौसम नहीं है, और इस वजह से चांद पर कोई पेड़ पौधा भी नहीं है। जैसे अगर यहाँ कोई निशान बन जाए तो वह कभी नहीं हटते। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर चले थे, उनके धूल भरे कदमों के निशान आज भी वहाँ मौजूद हैं। चंद्रमा पे एटमॉस्फेयर नहीं है, तो चंद्रमा पे जो क्रेटर लाखों साल पहले बने हैं वो आज भी हैं, और वो गिरते रहते हैं और बनते रहते हैं। तो ये लगातार लाखों पिछले लाखों सालों से इस तरह के क्रेटर्स बने हैं, फैब्री उन्हीं में एक है। पंकज जी, ये बताइए कि कितने क्रेटर्स होंगे, एस्टिमेट कितना है वैज्ञानिकों का? लगभग क्रेटर 10 लाख से ज्यादा हैं, और लेकिन जो कैलकुलेट किए गए हैं या रिकॉग्नाइज किए गए हैं वो लगभग 9000 से ऊपर है। चांद के जिस साउथ पोल पर चंद्रयान 3 को उतरना है, उस पर अब तक ज्यादा स्टडी नहीं हुई है। अगर सब कुछ सही रहा तो भारत दुनिया का पहला देश बनने वाला है जो चांद के साउथ पोल पर लैंड करेगा।